दादरा नगर हवेली सिलवासा में कोरोना की दूसरी लहर ने अब तक की सबसे गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। नए मामले काफी तेजी से हर दिन बढ़ रहे हैं। दोगुने रफ्तार से कोरोना के केस बढ़ने की वजह से कई बिल्डिंग भी सील कर दी गई है। आज शाम योगी मिलान सोसाइटी सील कर दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस कॉलोनी में 13 बिल्डिंग्स है और कहा जा रहा है कि 30% लोग संक्रमित है। सोसाइटी के सील होने के कारण लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। यह बढ़ाते आंकड़े बड़ी चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। हाँ सर, बोलिए, आपके क्या प्रॉब्लम है सर आपका सोसाइटी का, ये योगी मिलन के बारे में? हर एक बिल्डिंग में कोई एक बिल्डिंग में एक एक केस निकला है, उसके लिए पूरे सोसाइटी को सील किया जा रहा है, जो मेन गेट भी सील किया जा रहा है। और उसमें क्या, हम लोग काम करने वाले आदमी रोज कंपनी जाना है, रोज आना है, अगर उस पीरियड में अगर कुछ होता है, अगर किसी तरह का भी, हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। हम लोग का सब कुछ देना है, वो रूम का EMI देना है, सब कुछ करना है, बच्चे को खिलाना है, सब कुछ खिलाना, वो तो कोरोना से पहले हम ही लोग मर जाएंगे। ऐसे कंपनी वाला निकाल देगा 15-15 दिन 14 दिन का, हाँ एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, आप देख लो उसको, सबको समझ लो, उसके बाद में छोड़ दो, नहीं तो मैं हम तो 14 दिन का लीव भी नहीं ले सकते। कहने का मतलब ये है कि यहाँ 30 जिस हिसाब से बताया गया 30 है, मानते हैं कि अभी वो पीरियड चल रहा है, हमारे साथ दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये जो सोसाइटी जो बिल्डिंग में आ रहा है वो बिल्डिंग को सील किया जाए ना, क्योंकि 14 दिन अगर क्वारंटाइन में होता है, 14 दिन सील यहाँ गेट होता है, तो 14 दिन आदमी कैसे काम करेगा? 14 दिन का पगार कौन देगा? कंपनी देगी? कोई कंपनी नहीं देगी, कोई कंपनी नहीं देगी। अगर कंपनी देती है तो हम लोग 14 दिन नहीं, हम 30 दिन अंदर रह सकते हैं, लेकिन कंपनी देने को तैयार होती है तो कंपनी दे, तो हम रहने को तैयार है, लेकिन वो 14 दिन EMI है, किसी का 30,000 आता है, किसी का 20,000 आता है, किसी का राशन के लिए पैसे नहीं है, कोई भूखे मरा, कोई यहाँ स्कूल की फीस देने के लिए किसी के पास पैसे नहीं है, कैसे करेगा आदमी? 30-30,000 रुपए स्कूल के, जब पैसा नहीं है, जब पूरा सैलरी नहीं आएगा तो घर कैसे चलाएगा? वो कैसे चलाएगा? मैं आईडीसी साहब पूर्वा शर्मा साहब से और सीधे अपने मोहित मिश्रा साहब से ये पूछना चाहता हूँ, आप सील किए, हमारी सेवा, हमारी सुरक्षा के लिए किए, लेकिन आप वो बिल्डिंग को सील करो ना, रूम को सील करो, बिल्डिंग में रूम को सील करो ना, वो तो आपने सील कर दिया, वहां तो निकल रहा है आदमी, घूमेगा कौन, इसको देखना देखने जा रहा है? इसके लिए तुम फ्लैट सील करो, फ्लैट सिर्फ फ्लैट सील करो ना, आप 14 दिन के लिए, हम 14 दिन छोटे आदमी हम लोग कहाँ जाएंगे? आप गवर्नमेंट वाले 14 दिन करते हैं तो उनको पूरी सैलरी मिलती है, हम लोग को 14 दिन पूरी सैलरी मिलेगी? कौन देता है बताओ ना 14 दिन पूरी सैलरी? मैं बोलता हूँ इतने कोई नहीं देगी, 14 दिन कोई सैलरी नहीं देगी। जैसे मैंने कमांडर साहब से बात किया, गैस सिलेंडर, मैं अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, इंडियन गैस में अकाउंटेंट हूँ, जय जला राम इंडियन, मेरे को बोला गया कि आप अंदर जा सकते हो, आपका टेस्ट होगा, चलो ठीक है टेस्ट होगा, अगर निगेटिव होता है तो मैं अंदर रहूंगा, नहीं बोलते आप अंदर वापस नहीं आ सकते हो, अंदर वापस नहीं आएंगे तो मैं कहाँ सोऊंगा भाई, मैं अपने कहाँ सोऊंगा? अब भूखे मैं, कोई देगा हमको, कोई राशन देगा? कोई नहीं देगा। हमारे माननीय मोदी जी ने तो ऐसा नहीं कहा ना कि आप भूखे मरो, आपने अच्छे के लिए आप वो करो ना, आप यहाँ तो आपदा है, आया हुआ है पब्लिक, सब हम भी साथ देना चाहते हैं, हम वॉलंटियर हैं, हम भी खाना कहाँ से खाएंगे? पिछले साल मैंने भी वॉलंटियर का काम किया हूँ, मैं खिचड़ी बांटता था, पूरे 1 महीना खिचड़ी बांटा हूँ, लेकिन मैं इस बार भी तैयार हूँ, लेकिन ऐसे 14-14 दिन का हम कंपनी नहीं जाएंगे, हम काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, हमारा सैलरी कैसे मिलेगा? आपकी आपकी प्रशासन के साथ क्या मांग है? मेरी मांग यही है कि 14 दिन के लिए नहीं बंद किया जाए, 5 दिन करें, ठीक है 5 दिन करें, और जो जी जो जी जो जी जो रूम में हुआ है उस रूम को सील करें, ठीक है। और दूसरी बात, हम खुद चाहते हैं कि ये जो बीमारी आई है इससे सब, हम ये नहीं बोलते हैं कि हमारे IDC साहब काम नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं बोलते हैं कि हमारे CO साहब काम नहीं कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन सर ऐसे तो पेट पे लात पड़ जाएगी सबके, कहाँ पे जाएंगे आप?